अमरीकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने किसान आंदोलन का समर्थन करने के बाद अब जेल में बंद श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर के लिए आवाज उठाई है। बता दें कि नवदीप कौर को सिंघू बॉर्डर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वो 20 से भी ज्यादा दिनों से जेल में बंद है। आप सोच रहे होंगे कि ये नवदीप कौर कौन है जिसके लिए मीना हैरिस ने आवाज उठाई है। दरअसल हरियाणा पुलिस ने नवदीप कौर पर 12 जनवरी को कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। नवदीप कौर मूल रूप से पंजाब के मुक्तसर की रहने वाली हैं, लेकिन वो KIA यानी कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में काम करती हैं। FIR के मुताबिक नवदीप कथित रूप से अवैध धन वसूली का काम कर रही थी, और जब पुलिस अधिकारियों की एक टीम उनके पास पहुंची तो नवदीप ने पुलिस वालों पर लाठियों से हमला कर दिया। हमारे कुंडली पुलिस स्टेशन के एरिया में एक मजदूर अधिकार संगठन द्वारा के कुछ व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया गया था। ये कुछ लेबर राइट्स के रिगार्डिंग किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को इन्होंने राउंड अप कर रखा था, उनको घेर रखा था। तो उसको जब वहाँ पे पुलिस पार्टी पहुँची तो इन्होंने जाते ही उनके ऊपर हमला कर दिया, लठ बरसा दिए, जिसमें हमारे काफ़ी पुलिस वाले घायल भी हुए थे। उसमें हमने अभी तक 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया, एक उनके लीडर शिव कुमार और दूसरी उनकी एक और लीडर थी। वही नवदीप की बड़ी बहन राजवीर कौर का कहना है कि पुलिस ने नवदीप के साथ मारपीट की थी। नवदीप दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD की हुई है। उन्होंने दावा किया कि उनकी बहन KIA में मौजूद एक यूनिट में काम कर चुकी हैं, लेकिन वे प्रवासी मजदूरों की आवाज भी उठाती रहती हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत आम एक ये रवैया रहता है मजदूरों के लिए कि उनसे काम करवा लिया जाता है लेकिन उनकी वेजेस नहीं दी जाती। और इसी के लिए जब ये आंदोलन शुरू होता है तो वो भी अपनी आवाज़ उठाना शुरू करते हैं। उसके लिए नवदीप जो मेरी सिस्टर है वो भी उनके साथ रही। पहले तो 28 दिसंबर को जब वो अपनी वेजेस के लिए इकट्ठा होते हैं कंपनी के सामने, तो वहाँ पे कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से गोली चलाई गई मजदूरों पे, जिसके लिए FIR करवाने के लिए जाया गया, लेकिन जो पुलिस ने FIR नहीं दर्ज किया। और उसके बाद SP सोनीपत तक को भी इसमें रिपोर्ट किया गया, मेल किया गया, लेटर भेजा गया कि आप इस पर कार्रवाई करो, लेकिन गुंडों पे कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने जो मजदूरों के ऊपर FIR किया, उसके अंदर मेरी सिस्टर जो है नवदीप कौर भी शामिल है, वहाँ पे पुलिस द्वारा उसको अरेस्ट किया गया। वहाँ पे धक्का मुक्की की गई महिला साथियों के साथ भी, और जिसमें बहुत सारी मजदूर महिलाएं भी थी। तो वहाँ से ही सिर्फ नवदीप को टारगेट करके वहाँ पे अरेस्ट किया गया और उसको थाने के अंदर पिटाई की गई बुरी तरह से, जिसके वजह से उसके बहुत सारा चोटें हैं और उसको करनाल जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था, जिसके बाद इन कलाकारों का जमकर विरोध भी हुआ। लेकिन मीना हैरिस लगातार इस तरह की ट्वीट करती नजर आ रही है। मीना ने ट्वीट करते हुए लिखा, यह देखना बेहद अजीब है कि एक कट्टरपंथी भीड़ आपकी फोटोग्राफ जला रही है। सोचिए अगर हम भारत में रह रहे होते तो ये लोग क्या करते। मैं बताती हूँ, 23 साल की श्रम अधिकारी कार्यकर्ता नवदीप कौर को गिरफ्तार किया गया, उन्हें पुलिस कस्टडी में पीड़ित किया गया और उन पर यौन हमले किए गए। उन्हें बिना बेल दिए 20 दिन से ज्यादा वक्त से हिरासत में रखा गया है। 36 वर्षीय मीना हैरिस पेशे से वकील और एक लेखक है। मीना भारत की किसान आंदोलन पर लगातार ट्वीट कर रही है। अब सवाल है कि क्या किसानों के बहाने भारत को बदनाम करने की कोई ग्लोबल साजिश चल रही है।